अपनी आँखों में कुछ सपनों को समेटे हुए आज थलक वो नारी खामोश बैठी है। कुछ जिम्मेदारियां उन सपनों को इजहार करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए आज थलक वो स्त्री खामोश बैठी है। गौर फरमाइएगा, हर छोटी बड़ी खुशियों को समेटे हुए वो स्त्री आज थलक खामोश बैठी है, और कोई उसकी अनकही बातों को पढ़ सके, समझ सके, इसी इंतज़ार में वो स्त्री आज तलक खामोश बैठी है। सिलसिला कहें, दस्तूर कहें, रिवाज कहें या बंदिशें कहें, लेकिन कुछ स्त्रियां आज भी अपनी आँखों में कुछ सपनों को लिए आज तलक खामोश बैठी हैं, खामोश बैठी हैं। आज हमारे बैंड ने हमसे हमारी पसंद पूछ ली थी, तो हमने उन्हें जवाब में दिया, हाँ मुझे 90 के गाने पसंद हैं, मुझे बनारस का घाट पसंद है, गाने सुने अनकहे पसंद है, साड़ी के साथ एक छोटी सी बिंदी पसंद है, हाँ मुझे पैरों में छनछन करने वाली पायल पसंद है, हाँ मुझे पुरानी पिक्चरें पसंद हैं। भाई मैंने कुछ माँ पे भी लिखा है, ये आप सब भी इसमें मेरे साथ साथ दीजिएगा। माँ तेरा प्यार भी खूब निराला, तूने ही मुझको संभाला, सूरज सर पर आ गया है ये कहकर सुबह सुबह जगा डाला। माँ तेरा प्यार भी खूब निराला, कुछ नहीं खाया है ये कहकर फिर से खिला डाला, शाम हो गई है घर जल्दी आ जा ये कहकर मुझे डरा डाला। माँ तेरा प्यार भी खूब निराला, तेरे पापा को बताऊँ ये कहकर दही मंगवाया, अरे तेरी जेब खाली है ये कहकर 100 का नोट पकड़ाया, माँ तेरा प्यार भी खूब निराला। हाँ हम गए थे उनके शहर दस्तक देने, मगर वहाँ जाते ही पता चला वो शहर तो वीरान पड़ा है, उनके जाने का गम हमें ही नहीं बल्कि उस शहर को भी हुआ है, उस शहर को भी हुआ है। चलिए आज एक और दिन बीत गया, कोई सवर गया तो कोई बिखर गया, किसी को इश्क हुआ ज़िंदगी से तो कोई बिखर गया इस जहाँ से, इसलिए वो पीछे हट गया। हाँ दिन आज एक और बीत गया, कोई बच्चा रह गया तो कोई समझदार हो गया, मगर हाँ एक दिन और बीत गया। आज उनकी आंखों में हमें चाहत नजर आई, फिर उस चाहत में एक राहत नजर आई। गौर फरमाइएगा, आज हमें उनकी आंखों में चाहत नजर आई, फिर उस चाहत में एक राहत नजर आई, फिर उस राहत में एक मुस्कुराहट नजर आई। सच कहें, हाँ हमें हमारी मोहब्बत नजर आई। अधूरे किस्सों को गजलें बनाकर हम एक किताब में लिखकर आए हैं, अधूरे किस्सों को गजलें बनाकर हम एक किताब में लिखकर आए हैं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना जरूर, हम अपनी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत किस्सा छापाए हैं।